स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। बोलो, संक्रांति तो कल है। कल ही तो है, तो अपन वीडियो कल डालेंगे ना, तो उनको कल ही तो मिलेगा। तो बोलो हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ, और देख मेरे नए भैया ले आए थे, दिखा दो कैसे चलती है। जब जब जा कैसे चलती है बताओ जरा। अरे दिखा मेरे को, एक मिनट दिखा, ये दिखाओ, ये इस पर कुछ भी बना दो, कुछ भी ऐसे 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 बना दो और बटन दबाओ, ये हो गया सही। अब कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दो, हो गया सही, ये सही है। हाँ ये मम्मी दान दक्षिणा की तैयारी कर रही है, दान दिया जाएगा कल मकर संक्रांति पे। दीदी मैंने अभी इसमें एक जादू कर दिया। क्या? हाँ ईश्वर का नाम लिख के दिखाना अपना इस पे। क्या कर रहे हो ये? इससे ही तो हो रहा है। क्या? इससे अगर नीचे कर दो ताजे होएगा दी, ये अगर ऊपर कर दो तो। हाँ चलो, तो नाम लिख के दिखाओ जरा यहाँ पे। बर्थडे वंस। हाँ ईशु के स्कूल का नाम है देवांश, लिखो। गलत लिखा ना तो पीछे से पटाक पड़ेगी एक। देवांश, ये वा सही बना मुझे, देवांश की जगह देगांश लग रहा है वो। देगांश और क्या, इसको इसको लाइन खींचो नीचे, ये तुमने वा बनाया है ना। लाइन के देवांश। अरे फिर भी गलत है, ये मात्रा लगाई ना तुमने, ये दा पे लगनी थी। अरे यार हाँ लिखो। हाँ मम्मी यही वाले कपड़े दे देना दानों में, तुम तो यीशु के कपड़े। तुम्हारे कपड़े दान में चले जाएंगे यीशु, तुमको पुण्य मिलेगा। ठीक है तो मैं मम्मा की साड़ी भी दे दूंगा। सही बात है। दे देना दे देना दे देना, कोई बात नहीं बेटा। दान में तो देना पड़ेगा ना कुछ, तो अपनी साड़ी दे देना। कितना गहरा चिंतन हो रहा है, क्या दान में दिया जाए। मैं बताओ, दान देने से पहले लोग कितना सोचते हैं और लेने से पहले कोई नहीं सोचता कि क्या देना है क्या लेना है। तैयारी कर रही है दान देने की, सोच रही है कौन सा सड़ा माल निकाल लूं दाल। ये देखो ये निकल गए दान दक्षिणा का सामान। इन सामान को दे दो और इनको दे दो। आओ बेटा पेटू हुई है तो दे दो दानों में। कपड़े नहीं, तुमको ही दे देती है दान में, किसी और के घर पे रहना तुम। कोई नहीं दे पाएगा, हिम्मत है पूछ किसी को देने की। मैं दान में दूंगी इसको, मैं तो पूछ रहा हूँ हिम्मत है रखने की, मुझे कोई दो मिनट झेल पाएगा। बाहर से पत्थर मार के फेंकूंगा। हाँ ये तो रिश्ता है मेरे बेटा की। यथा माता तथा पुत्र। पिता माता पुत्र पुत्र। जैसी माता वैसे पुत्र, जैसी माता वैसे बेटा। हाँ मैं तुमको अपनी दूंगी। पूत के पांव पालने में नजर आ रहे हैं, पर पाल तो वो भी नहीं सकते। पाल तो सकते ही नहीं। जाओ फोन आ गया, इनके फोन से बड़े परेशान है, 12 महीना टें 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 टें। और कोई नहीं है, एक ही महिला का फोन बसता है इनकी बहन का, हमारी पूजनीय मौसी जी का है ना। कौन सी मौसी है? दादी जी। नानी नहीं है ना? नानी दादी भी है। नानी भी, नानी का लगाती है बेटा फोन, आरती मौसी लगा लगा के करती है परेशान। पहले हमसे तो बात कर ली थी, अब और कोई से बात कर लूं। तुम दोनों ना या जब मम्मा के पास थोड़ा सा भी सो जाओ हम अच्छे पैचे ऐसी बसता रहता है, इनके बगल में बैठ नहीं सकते 2 मिनट। ऐसा लग रहा है कि भारी सो जाए। और क्या, फोन लगा के बोल दो, क्यों फोन लगा रही हो हमको बार बार, हम डिस्टर्ब होते हैं ना।
फायदा है, तो काट दिया, दोबारा आ जाएगा। हमारे लड्डू गोपाल सो रहे हैं और काली बता भी सो गई। बंद कर दे तू, पागल हो गए। जाओ दोनों, चलो माँ बेटा अपने कमरे में निकलो। चलो नहीं मम्मी ले जाओ, मैं तो नहीं ले दूंगा। नहीं मेरे को पढ़ना है, मेरे को बंद कर दो, पट लगा दो उससे। जा भगवान के पट लगा के आओ, जाओ उठो भगवान के पट लगा के आओ। मम्मा बोल बोल दे रहा सीधी से मेरा वस्तु यहाँ। जाओ पीछे बड़ा पट, जाओ जाओ कपड़ा पट लगा के भगवान के जाओ। किसे तुमको बुला रहे हैं? जाओ जल्दी। तुम्हारा नाम ईशु है ना? सुनते को नहीं हो एक बार में? मेरा नाम तो बेटू है। हाँ तो बेटू तेरे को ही बुला रहे हैं, जा बेटू। चले जा ईशु, नहीं मार दूंगी बहुत तेरे। मेरा नाम ईशु है, मैं बोल गई थी चिल्ला के वो नहीं आ रहा। बेटू